अबे बिहारी परम संसकारी छेरला पे छोरब ना सुन बारी बारी अजनी कर बरी आरी देव सिने में उतारी अखिलेश खेसारी हस सपे भारी। ये हमारा कोई रिश्तेदार ना है, ये लड़का जो आया है रिश्तेदार ना है और ना हमारे जात के है। अभी क्या चाहते हो लोगों से और क्या चाहते हो हमसे, वो लोगों को बताओ। हम तो यही चाहेंगे कि मेरे बिहार में अगर कोई हीरो है तो उसका नाम है मगहिया जवान। नहीं रे भाई, हीरो नहीं है। जब आईबे मगहिया बेल पर हमारे देते हो खेसरिया रेल के, तुम कहेंगे ऐसा कोई गीत। अरे बाप रे, 30,000 रुपए लेकर गाने को नहीं गवाया, अब क्या कहता है ये। हम जब जान गए ना पूरा नीति, तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हमको घिन आता है तो वो अखिलेश का। अब उनके मन में मानसिकता कुछ और था, भैया के प्रति था। अब हमको ये सब पता नहीं अच्छा, था मतलब इतना बड़ा पुत्र का मानसिकता ही था कि मगहिया जवान के गौतम और समर के विरुद्ध में गाना गाओ। कितना गाना गाया तू इसके म्यूजिक से? एक गाना बस। कौन गाना गाया भाई? सब पे भारी अखिलेश के सारी जो वही गवाए हैं, अर्जुन आदाबारिया और अखिलेश के गीत हमको गवाए, जो अपने पूरे टीम का नाम दिए। नमस्कार प्रणाम, मैं गौतम सिंह राजपूत मगहिया जवान से। आज एक हमारे सामने साथ बैठा हुआ एक भाई दिख रहा होगा आपको। जी हाँ, सुबह सुबह 7 बजे जब हम सुतल थे तो घर पे एक मेहमान आया, बाहर निकले तो ये भाई आया हुआ था हमारे दरवाजा पे। हालांकि अभी हम टोल प्लाजा पे हैं, टोल को आप भली भांति पहचानते होंगे, हमारे निजी बाजार चंडी स्थान के पास टोल प्लाजा है। अब भाई आया था भागलपुर से, भागलपुर यानी हमारा घर से 350 किलोमीटर की दूरी है। तो हम भाई पूछे कि भैया का ऐसा तोरा मजबूरी हुआ, नेता मंत्री तो हम है नहीं कि तो दुख के हम दूर कर देंगे। तो कहानी पता चला, क्या कहानी था कि किस मुद्दे को लेकर आए थे? मुद्दा मेरा यही था कि अखिलेश कश्यप ने हमको हद से ज़्यादा परेशान किया और वो हमको जो नहीं चाहते थे वही गीत हमको वो गवा दिया और उनका मैनेजर हमसे। अच्छा अच्छा, तुमको कैसे लगा कि हम तुमको इस मुद्दा में हमारे पास तुम आओगे तो तुमको फायदा होगा या समर्थन मिलेगा, कैसे तुमको लगा? जी देखिए, हम ये सोच के आपके पास आए कि आप एक मुहिम चलाते हैं अश्लीलता के विरुद्ध में, तो हम सोचे कि भैया के पास ही न्याय मिल सकता है हमको। अच्छा भाई, मतलब ये भागलपुर से चल के हमारे घरे आया और लगा ना कि हमारा पास आएगा और हम अश्लील कलाकारों को विरोध करते हैं और छोटे कलाकारों को समर्थन करते हैं, तो भाई को लगा कि भैया के पास आएंगे तो हमारा न्याय मिलेगा। बाकी भाई तो इसी के लिए खड़ा ही है। तो एक बात बताओ कि अखिलेश कश्यप की कहानी यानी कोठा पुत्र जगरा मगहिया जवान नाम दिया है, समझे कि नहीं? आज कोठा पुत्र का वही हरकत को आप सबको बताएंगे जो भाई को साथ घटना घटित किया है और प्रताड़ित किया है भाई को। एक बात बताओ कि कहानी क्या हुआ शुरुआती दौर से, जनता जानना चाहेंगे और सारे लोग तुम्हारे बातों को सुन रहे हैं। जी, तो हम उनके पास गए गाने के लिए, उनको हम उनके मैनेजर अर्जुन आदाबारिया को हम पैसा दिए। अच्छा, वो हम उनको हम गाना के बाद डायरेक्ट तू कैसे चले गए? नहीं, उनके पास हम जाते थे आते थे रहते थे, 1 साल पहले भी, हम 1.5 साल पहले। कितना दिन से तुम जानते हो? 4 साल से जानते हैं। 4 साल से अखिलेश कश्यप को जानते हो? जी, जब वो आदि शक्ति में जब वो गाना लिखते थे, जब मनोज बाबा के पास रहते थे उस टाइम भी हम उनसे गाना लेके हम गाए। जिसका ऑनर है मनोज मिश्रा, उसके पास ये गाना लिखता था, ये नहीं कोठा पुत्र, उसके पास। इसके बाद अपना अन्नपूर्णा लाया। जी जी, वहाँ भी हम 3,000 में एक गाना उनसे खरीद के हम गाए थे और आदिशक्ति के ही थ्रू वो काम हुआ था। मतलब तुम मनोज मिश्रा कंपनी आदिशक्ति को जानते हो? वहाँ पहले उन्हीं को जाने, पहले उन्हीं को जानता था। इसको कैसे जाना था? वहीं से हम इनको जाने, हम सोचे कि इनके पास जाएंगे हमको भी गाना लिख के देगा और हम हमको लगा कि ये अच्छा गाना लिखता है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इनका नीति ऐसा है, ये मतलब इस व्यवहार में पता है कि ये चोर राइटर है ना, और चुतिया की हरकत को तुमको पता नहीं था? नहीं नहीं, ये सब चोर के पास जाओगे, चुतिया लोगों के पास जाओगे तो हरकत में तो फंसोगे, तुम फंस भी गया। कहानी क्या हुआ जब तुम पैसा दिया? पैसा जब हम उनको दे दिए ना तो मेरा सुनना बंद कर दिया और मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया अखिलेश कश्यप का। तो तू तो उसका म्यूजिक कंपनी देख लेता तो तुम तो को जाना चाहिए था, फोन नहीं उठा रहा। वहाँ हम जाते थे, उनका मैनेजर हमको भगा देता था वहाँ से साफ तौर पे, और अखिलेश कश्यप भी हमको देखता था, जब हमको भगाता था तो वो कुछ नहीं करता था। उनके पैसा अब तक दिया कितना इसको? 30,000। 30,000 रुपए दे दिया अर्जुन आदाबारिया को, इसके मैनेजर को दिया? जी जी, 30,000 रुपए। जी, वो बोला कि अखिलेश भैया। कितना गाना गाया तू इसके म्यूजिक से? एक गाना बस। कौन गाना गाया भाई? सब पे भारी अखिलेश के सारी जो वही गवाए हैं, अर्जुन आदाबारिया और अखिलेश भैया मिलके ये गीत हमको गवाए, जो अपने पूरे टीम का नाम दिए। कौची के ओकरा में कौन गाना है जरा थोड़ा सा एक लाइन बताओ ना, कौन गाना है? अबे बिहारी परम संसकारी छेरला पे छोरब ना सुन बारी बारी अजनी कर बरी आरी देव सिने में उतारी अखिलेश खेसारी हस सपे भारी। अच्छा, ही गाना था गवाया था ये कोठा पुत्र है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। तुमसे यही गाना के लिए तुम पैसा दिया था?
हम उनको ये गाने के लिए पैसा नहीं दिए थे, हमको वो गाने नहीं दे रहा था, वो अपने ये गवाया जब आपका गिरफ्तारी हुआ तो हमको वो पैसा तुम दिया अपने म्यूजिक के लिए जी, हम सोचे गवाया अपने मन का गाना, हम सोचे कि कोई गाना देगा जिसमें अर्जुन यादव क्या बोला था कि जब तुम्हारी गिरफ्तारी, उसके बाद 2 दिन बाद गाना रिलीज कर दिया, हमको माजरा समझ में नहीं आते हैं होते हैं तभी गाना का वो गवा देता है जी, इसका डेट बाय डेट है ना। अच्छा अच्छा, और क्या हादसा हुआ सो बताओ। हादसा यही हुआ कि उसके बाद आपके जाने के बाद ये गाना रिलीज हो गया, उसके बाद जो है फिर हम कहे कि भैया ये क्या कर दिए, रोना धोना शुभम तिवारी के मोबाइल पे हम फ़ोन किए, हम दिन भर उनको कम से कम 1000 फ़ोन किए कि भैया ये गाना कैसे आप रिलीज कर दिए, वो भी हमसे बिना पूछे गायक जबरदस्ती, हाँ कैसे कर दिए रिलीज आप, जब हम गायक हैं तो हमको जानकारी होना चाहिए ना, और रिजेक्ट गाना आप कैसे रिलीज कर दिए, हाँ वो कर दिया। अब उनके मन में मानसिकता कुछ और था भैया के प्रति था, अब हमको ये सब पता नहीं था, इतना बड़ा पुत्र का मानसिकता ही था कि मगहिया जवान के गौतम और समर के विरुद्ध में गाना गवाना है, हालांकि भाई पैसा दिया था और अपना म्यूजिक है भैया, मालिक वो है वो कंपनी का, तो एकर ना सुनेगा, पहले भले पैसा ही दिया हो, अपने मर्जी का गाना वो गवा दिया, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बस तब फिर जैसे आप रिलीज होते हैं जेल से जब आते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर जब आते हैं तो फिर इसका वीडियो रिलीज हो जाता है। अच्छा, वीडियो भी कराया? अरे बाप रे, वो करवा देगा वो गाना आया नहीं, उसी गाने का वीडियो आ गया, क्लीन में आके ये गाना बन के इसका वीडियो आ गया। अच्छा अच्छा, दो बार सब पे भारी अखिलेश के साथ। अच्छा, खैर कितना भारी है पूरा बिहार जानता होगा, है ना, कहने की आवश्यकता नहीं है। और क्या क्या हादसा हुआ तुम्हारे साथ वो बताओ। सबसे पहला नंबर, हम बहुत मोहब्बत करते थे अखिलेश कश्यप से, लेकिन उसका ये हम जब जान गए ना पूरा नीति, तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हमको घिन आता है तो वो अखिलेश कश्यप है। मतलब ये भाई का सुनिए, लगातार कितना साल बोला तू? 4 साल। 4 साल से कोठा पुत्र के पास, हम इसलिए कोठा पुत्र बोलेंगे कि वही लायक वो अक्सर पीछे में भी काम किया है और अब भी करते आ रहा है। पिछले 4 सालों से लड़का भागलपुर से चल के पटना अपने पैसा खर्च करके, पैसा वही देता था? नहीं नहीं, पैसा हमको क्या देगा, पैसा एक खर्च करता था, रहना करना जाना खाना पीना, वहाँ से संगीत सीखने के लिए गाने के लिए आता था। उसे जानता होगा, उसका दिल गवा देगा कि हम घर से खाने पीने के लिए जो भी अच्छा लगता था उसके लिए। सारे बिहार वासियों और यूपी झारखंड के लोगों से कहना चाहेंगे कि कोठा पुत्र लगातार ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। ये हमारा कोई रिश्तेदार ना है, ये लड़का जो आया है रिश्तेदार ना है और ना हमारे जात के है, उम्मीद लेके आया तो भैया उम्मीद पे तो मगहिया जवान खरा उतरेगा। लगा कि भाई का समर्थन सपोर्ट करना चाहिए, हालांकि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लत कुछ है वो, समझे, वो इस प्रकार के चीज से ही। लेकिन वैसे लोगों का भगवान देखते हैं, ऊपर वाले देखते हैं, बाकी हमारे जब पलरे पर आ जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि कितना भारी है और कितना हल्का है, समझे कि नहीं। लेकिन गलत किया है, 30,000 रुपये लेकर गाने को नहीं गवाया, अब क्या कहता है सो बताओ। अब हम क्या कहेंगे उनके बारे में, जब उनका पूरा बिहार में यही है तो अब उनका क्या कोई इस पर कोई चर्चा, हमको लगता है कि अखिलेश कश्यप कोई ठीक आदमी इंडस्ट्रीज में नहीं है। अच्छा। और वो लिखने पढ़ने का तो नहीं है, उनके पूरे टीम में हम कहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं। और कौन कौन सा गाना तुमको लिख के दिया वो? हमको वो एक और मतलब वो चर्चा ही चल रहा था कि जब अबे मगहिया बेल पर हमारे देते खेसरिया रेल के, तो हम कहेंगे ऐसा कोई गीत। अरे बाप रे, मतलब गाना पैसा देता था तू अपने म्यूजिक के लिए, अपने संगीत के लिए, लेकिन तुमसे गाना गवाता था मगहिया जवान के विरुद्ध में। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास तुम आए हो तो ऐसा तुम बना के बोल? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम तो आपके पास खोज के आए हैं। रिलीज जब जेल से हम बाहर निकले तो कौन सा गाना तुमसे गवाना चाह रहा था? हाँ वो जब अबे मगहिया बेल पर हमारी खेसरिया रेल के, ऐसे गाना है ना, साथ पुष्ट गुजर जाएगा बेटा ना, मगहिया जवान है और नाम तो भली भांति पूरा हिंदुस्तान जानता है, साथ पुष्ट गुजर जाएगा कि तू रेल पे मारो कि बेल पे, आज बेल पे भी है और शायद रोड पे ही हमेशा हम रहते हैं, पर्चे सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हम कहाँ और कैसे रहने वाले हैं। अहें मगहिया बेल पर मार दिए खेसरिया रेल के, तो हम कोठा पुत्र से पूछना चाहेंगे कि अरे कोठा पुत्र, तोर बाप नपुंसक तोरा पैदा किया है गारे, तू भी गा सकता था कि अहें मगहिया बेल पे तुम्हारी कोठा पुत्र रेल के, तो बाप के तू हर बार काहे ला देते हो बीच में भाई, बाप से ज्यादा घनिष्ठता संबंध है क्या मगहिया जवान के, हमेशा तुम मतलब अपने बाप के साथ जोड़ के रखना चाहते हो। खैर हम ज्यादा विवरण और चर्चा नहीं करेंगे, भाई के दुख को सुनेंगे और पूरे बिहार वासियों को सुनाएंगे। और घटना क्या घटित हुआ? अब पैसा तुम मांगते हो तो क्या बोलता है वो? पैसा देखिए, उसका मैनेजर जो है वो मेरा फोन ही नहीं उठाता था, हमको बोला कि आओ तुमको हम फिर से गवाएंगे। अच्छा। तो देखिए मेरे अंदर क्या है कि डर है। अच्छा। कि हम उनसे ज्यादा अथी करेंगे तो मेरा इतना भी नहीं है जो हम अखिलेश कश्यप से लड़ सकते हैं। देखिए गाना भाई पहले भी चर्चा किया है कि भैया हम वीडियो में नहीं आना चाहेंगे, तो आप लोगों को बता दें। जी जी, मेरे में डर है। जमाना 2 वर्षों से काम कर रहा है बहन बेटियों के लिए, तो मैं आपको खास करके बताना चाहूंगा, कोई माई का लाल ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो बेवजह किसी को हाथ लगा दे। डर रहा था कि भैया हम स्क्रीन पे नहीं आएंगे, और मैं इसको बोला कि भाई
हम बातों बातों में कुछ भी नहीं बोलेंगे, चाहे तुम्हारे जैसा हजारों शिकायत हमारे पास आता है, तुमको स्क्रीन पे आना पड़ेगा और तुमको खुद से चर्चा करना पड़ेगा। तो भाई आया सामने, कहीं ना कहीं इसको डर है, तो मैं बता देता हूँ लोगों को भी, अगर जांच खरोच और कोई पूरे पटना में और इसको हाथ भी लगाता है ना बेटा कोठा पुत्र, तो उसका पूरा जवाबदार तुम होगे। कहीं ना कहीं ये डर रहा है कि भैया हम आएंगे तो परेशान करेगा, बदमाशी करेगा, हम भागलपुर के रहने वाले हैं, रहते हैं पटना में, वहाँ रहता है, 10 लड़के रहते हैं, बेटा पटना तो बाप के ना है, समझा, पटना राजधानी है और पूरे बिहार वासियों का है, डरो नहीं, बेफिक्र रहो, किसी प्रकार का कोई डंडा और कोई अड़ंगा लगाता है ना, तेरा भाई तुम्हारे लिए खड़ा है ना, यही उम्मीद है ना, इसलिए तो हम यहाँ। बाकी क्या चाहते हो लोगों से और क्या चाहते हो हमसे, वो लोगों को बताओ। हम तो यही चाहेंगे कि मेरे बिहार में अगर कोई हीरो है तो उसका नाम है मगहिया जवान। नहीं रे भाई, हीरो नहीं है, हीरो और अखिलेश कश्यप जैसा इंसान को हम बहुत मोहब्बत किए और उनके लिए हम गाना गाए थे कि हवे बिहारी परम संस्कारी छेरला पे छोड़ बना सुन बारी बारी जनी करो बरियारी देव सीने में उतारी, आप ही गवाए हमको और आप ही कुछ नहीं किए, आप ही पैसा लिए और अपने मर्जी से चले, आप मीटिंग बैठा लीजिए और देखिए गलती किसका है। और आप दोस्ती और इतना प्यार करोगे लड़की के, तो कहानी छोटे को बताते हैं, लड़की जो 420 रहती है ना तो 15 लड़कन से प्यार करती है, कई लड़कन से 15 लड़कन, तू करोगे वो अगलों से करेगा, वो अगलों से करेगा, तो वहाँ बेफाई ब्रेकअप हर दिन होता है दो लड़कन के, तो ससुरा चंडाल है, आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, ऊपर से भी चंडाल से भी ऊपर का है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ठगा नहीं, खाली अपने बाप को ही ना ठगता है, समझा, बाप मतलब समझ रहे हो ना, जी 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 हाँ। तो हम कहना चाहेंगे कि देख रे कोटा पुत्र, जिस प्रकार का तो आज दर्जनों ऐसा केस हमारे पास आया है और लोगों को हम बताए भी हैं, आज मजबूरन भाई 350 किलोमीटर से हमारे घर तक आया, तो लगा कि लोगों को हम बताए, बाकी भाई वैसे जगह पे एकदम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जहाँ अपना इज्जत और कदर नहीं ना हो। हमको तो गेट पे जाने तक नहीं देता था उसका मैनेजर अर्जुन आदाबारिया, हमको बाहर से निकाल देता था। काले करतूतों को लोगों को बताओ, काले करतूत उनका देखिए हम बोलना नहीं चाहते हैं, उसका पर्सनल लाइफ है और पूरे उसके टीम में हमको नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा, कोई शिक्षित, कोई मान सम्मान, कोई इज्जत, कोई ये होता है। अब लड़की के साथ अब उनका उतना नहीं बता, अब समझ गया होगा कि पब्लिक हम क्या बोलना चाहते हैं, अरे उनका हमें कोई कमी नहीं है। हाँ तो देख लीजिए, पुरानी कहानी तो खैर हमको ही पता है, लेकिन हम किसी के पर्सनल लाइफ में जाके हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। देखिए भाई बहुत सारे तस्वीर को भी दिखाया है और बातों को भी बताया है कि लड़कियों को ब्लैकमेल करके लड़कियों को आधी रात को बुलाता है और कहता है कि इस समय आना पड़ेगा तभी हम गाना बजाएंगे। रे साले चंडाल, कौन सा गाना रात के गवाता है लोग रे, से बताओ, 3 12 घंटा के है, तो 12 घंटा का बाबूजी के थमते हो, से बताओ, बेवजह वाला काम ना करो। बाकी मगहिया जवान ऐसे ही भाइयों के लिए खड़ा है, बेफिक्र रहो, है ना, उनको हम आश्वस्त करते हैं और भरोसा दिलाते हैं, तुम्हारे भाई के आज कॉन्टैक्ट में ऐसे चिल्लर चोर जैसे ना हजारों म्यूजिक कंपनियों वाले हैं, है ना, एक हमारे म्यूजिक है अपना गया में ही, है ना, वो तुम्हारा कश्यप ट्यून करके है, मैं फ़ोन कर दूंगा, चले जाना आजीवन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट गाना गाना, तुम एक चमन्नी नहीं लगेगा, और बाकी दोगलाई करना छोड़ दो तुम, समझा, ये तो बेटा जिस दिन तू पड़ गए ना तो कुल बास बढ़िया से हो जाएगा, बाकी बाप तो पड़ गया, कितना उखाड़ लिया कवाड़ लिया तो पते है, 4 घंटा में बेल हो गया था। बाकी कहानी और कुछ कहना चाहते हो जाते जाते लोगों को? जी जी, हम अखिलेश कश्यप जी से हम यही कहना चाहते हैं, आखिर उनको इसमें मिलता क्या है, आप एक राइटर हैं, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप इस तरह के इंडस्ट्रीज में करते हैं, इससे आपको क्या फायदा चलता है, इसको इससे क्या हो जाएगा, आप इंसान गिनती में थोड़ी आएंगे, कोई आपका वैल्यू थोड़ी देता है, रियल हीरो तो पूरे बिहार में मगहिया जवान चर्चित है। आज मेरे जैसा आदमी यहाँ आया, देखिए शरण मिला ना आपके पास, हम इतना दिन से रहे, आप हमको 1 रुपया दिए, कंपनी में गाने के लिए हमको ऑफर दे दिया, बोला जब तक तुम्हारा मन है, जो गाना गाने का मन है, जहाँ से गाने का मन है, सिर्फ 1 मिनट का मोहब्बत है ये, अभी मिले हैं जस्ट, और हमको दे दिए इतना बड़ा ऑफर, आपके पास हम इतना दिन से गए, आप हमको कभी कहे कि कैसे आए हो, भूखे आए हो या खाना खाए हो या नहीं, कुछ किए हो कि नहीं, या ऐसे चले आए हो, हमारे पास पैसा नहीं रहता था, आपसे मांगने में हमको डर लगता था। लोगों को लोग कैसे परेशान करता है, महज उम्र बेचारे का 18-19-20 बरस हो रहा होगा, ये लड़का पैसा शायद पापा से कर्ज लेकर लाता होगा, खुद से कर्ज लेता होगा, घर से किसी प्रकार से लाता होगा, क्योंकि अब इसको एक ही जुनून है, गाना गाना, गायक बनना, जी, जी। उसमें भी इस प्रकार के चंडाल लोग इस प्रकार से इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना जायज है वो आप सब बताइएगा, करेगा कौन वो डायरेक्ट, हम साफ तौर पे स्वस्थ रहो, बेफिक्र रहो, पटना में किसी प्रकार का दिक्कत हो एक बार भाई को याद करना, है ना, बाकी हम विदा लेना चाहेंगे,
और वीडियो को दूर दूर तक शेयर करके उसके काले करतूतों को बताइए। बाकी तो पूरा हिंदुस्तान जानता है और गूगल भी जानता है, ये कोठापुत्र के नाम से मशहूर है वो। बाकी जो नहीं जानते हैं जाके गूगल पे मार लीजिएगा। बाकी नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध जय बिहार रहेगा।